मीरगंज शहर के हथुआ मोड़ स्थित प्रज्ञा नगर के छठ घाट को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर परिषद ने इसको लेकर एक रूपरेखा तय की है। इसमें तालाब की सफाई करके चारों ओर से लोहे के जाले से घेराबंदी की जाएगी ताकि तालाब में कोई कचरा न फेंक सके। साथ ही चारों तरफ लोगों को टहलने के लिए PCC सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सौंदर्यकरण के तहत घाट के आसपास बागवानी करने की योजना है। इस पर करीब लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद के द्वारा समूचे इलाके को हरा भरा करने के लिए पौधे लगाए जाएंगे। फूल पौधों के साथ बैठने के लिए आकर्षक बेंच भी लगाए जाएंगे। लोगों के टहलने के लिए सीमेंटेड सड़क बनाए जाएंगे। सड़क के किनारे लाइटिंग की व्यवस्था सुव्यवस्थित होगी ताकि सुंदरता और भव्यता को बढ़ाया जा सके। तालाब के आसपास के क्षेत्र को बेहतर ढंग से विकसित करने की भी प्लानिंग है ताकि शहर के लोगों का यहां पर उत्साहवर्धन हो सके। साथ ही सुबह शाम के सैर के लिए यहां लोगों को खुली व ताजा हवा मिल सके। इस बारे में मीरगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्री केशव गोयल ने बताया कि प्रज्ञा नगर के छठ घाट को विकसित करने की योजना है। इस दिशा में काम शुरू कर दिए गए हैं। तालाब की सफाई चल रही है। घाट के सौंदर्यकरण के तहत फूल पौधों को लगाया जाएगा। साथ ही लोगों को सुबह शाम टहलने के लिए चारों ओर पैदल गामी सड़क बनाया जाएगा। कार्य शुरू कर दिया गया है। छठ घाट को लेकर जो है कि नगर परिषद मीरगंज के द्वारा उसका साफ सफाई कराया जा रहा है। अभी फिलहाल गंदा पानी उससे निकाला जा रहा है, उसमें साथ ही उसके जो गंदगी या नीचे कीचड़ है उसको निकाला जाएगा। साथ ही उसकी बाउंड्री वॉल है उसको ऊंचा करा के उसमें जाली लगाया जाएगा और साथ ही उसके साथ ही पानी उसमें स्वच्छ पानी डाला जाएगा और चारों तरफ जो है कि पेड़ पौधे लगा के जो है कि उसको सुंदर बनाया जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट है उसमें जो है अभी जमीन को लेके विवाद चल रहा है यहाँ पे। यदि विवाद खत्म हो जाता है तो हमारे द्वारा इसी को लेके यहाँ पे एक जो है कि पार्क निर्माण किया जाएगा। साथ ही लोगों के जो है कि सुबह शाम टहलने के लिए एक पथ का निर्माण भी कराया जाएगा वॉकिंग पथ का। ये पिछले जो है कि 15 दिनों से सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है और उम्मीद है कि ये 15 जून से पहले ये काम समाप्त हो जाएगा। संवाददाता सोमेश्वर तिवारी, VSRS न्यूज, मीरगंज, बिहार।